Hey guys, welcome back to another episode of our YouTube channel. This is your friend from Ribawala. तो आज हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की सर्विस कराने के लिए. तो बेसिकली इसकी सर्विस होनी थी 1000 किलोमीटर पर, ठीक है. अब ये गाड़ी चल चुकी है 4000 अप्रॉक्स, मतलब 4000 में कुछ किलोमीटर बचा हुआ है. तो मैंने गाड़ी थोड़ी देर ज़्यादा चला दी है, मतलब टाइम नहीं मिल रहा था सर्विस के लिए. बट लेकिन ये जो फर्स्ट सर्विस होती है ये बेसिकली होती ऐसी है, मतलब नॉर्मल चेकअप के लिए होती है कि मतलब आपका कूलेंट वगैरह जो लेवल है हर एक चीज़ जो है चेक करेंगे, कुछ भी डालते नहीं है, सिर्फ एक चेक करने के लिए नॉर्मल सी एक सर्विस होती है. सो यहाँ पे निकल चुके हैं अपनी सर्विसिंग के लिए और गाड़ी काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रखी है, देख रहा काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रखी है. कीचड़ वीचड़ में चली थी तो पैर वैर की डस्टिंग वगैरह भी अंदर ही है, उसको भी जो है कराएंगे साफ. लेकिन मेन इशू पता क्या है, अगर आप गाड़ी में अलॉय व्हील्स डालते हो ना तो आप गड्ढे गुड्ढे फील होते हैं, वो तो चलो नॉर्मल चीज़ है, लेकिन जो है गाड़ी आवाज़ ही बहुत करती है गड्ढों पर. ऑलमोस्ट मैं पहुँचने वाला हूँ अपने सर्विस सेंटर में, लेकिन इस टाइम मुझे लग रहा है बारिश ना हो जाए. सो यहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ अपने ऑटो विकास स्मृति नगर में, जहाँ से मैंने अपनी एक्चुअल में कार परचेज की थी. वही उनका सर्विस सेंटर पर, इनकी बैक साइड पर ये मेन रोड है इसके आगे, और ये बैक साइड है बेसिकली इंडस्ट्रियल एरिया है. लेट्स सी, यहाँ पे अपनी जो है गाड़ी की होनी है सर्विस. और आजकल जो है कोविड की वजह से जो है लिमिटेड जो है ये लोग कार ले रहे हैं सर्विसिंग के लिए. यहाँ पे सारे सर्विस सेंटर है बेसिकली, चाहे हुंडई हो गया, सारे मतलब बेसिकली जितनी FND देख रहे हो, FND का भी है, मतलब FND जिसके जिसके स्पीकर्स वगैरह होते हैं घर में रख लगाने के लिए उसके. बस बारिश ना हो यार, आज मौसम तो बारिश का है वैसे, लेकिन ना हो फिर भी. ये आगे अपना लेफ्ट साइड में ऑटो विकास सर्विस सेंटर, भाई गाड़ी बाहर भी खड़ी गोल्ड्रोस देख लो, ये अपने सर्विस सेंटर है जहाँ पे कि आज अपनी सर्विस होनी है. और ये क्या चीज़ है, मारुति की गाड़ी सर्विस सेंटर के अंदर, टाटा की गाड़ी के अंदर. अंकल जी इशारा करें रुक जाओ, अभी नोट वोट करेंगे कुछ. लेट्स सी, यहाँ पे अपना बनेगा एंट्री टिकट और उसके बाद हम जाएंगे अंदर. लेट्स सी, फर्स्ट टाइम सर्विस करवाने आया हूँ तो ज़्यादा कुछ तो मुझे भी जो है आइडिया नहीं है. भैया मेरी कल से अपॉइंटमेंट चेक कर रहे हैं कि मैंने वो कर रखी ना अपनी अपॉइंटमेंट ली हुई आज गाड़ी की सर्विसिंग की, और एक्स्ट्रा अपॉइंटमेंट मेरी कल से ले नहीं रहे ऑन द स्पॉट वाली. बहुत कम जो है ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं उस पर, क्योंकि कोविड की वजह से. और यहाँ पंगा भी ये हो रहा है कि अपनी गाड़ी की अपॉइंटमेंट जो है रजिस्टर्ड नहीं है मेरे ख्याल से. ऑल दो मैंने हाँ बोला था कि मैं आऊँगा, वैसे अपॉइंटमेंट थी मेरी कल की, फिर मैंने ट्रांसफ़र करवाई थी आज में. अब देखो क्या होता है. वैसे सर वैसे तो अपॉइंटमेंट ली हुई है. ये भैया भी चेक कर रहे हैं फ़ोन पर, वो भैया भी चेक कर रहे हैं. लेट्स सी, मिलनी चाहिए यार अपॉइंटमेंट, इतना बंदा टाइम निकाल के आऊँगी मुझसे से. तो सर्विस सेंटर के अंदर खड़े हैं बहुत सारी टाटा की गाड़ियाँ हैं, और ये अपनी गाड़ी है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी, जैसे कहते हैं ना, बो रखी है उस टाइम पर, देख रहा हूँ. सो यहाँ भैया कर रहे हैं चेकिंग इसकी गाड़ी की पूरी. लेट्स सी कितना जो है किलोमीटर का इश्यूज है, कितना है नहीं. तो यहाँ भैया पूछने आए थे कि आपकी गाड़ी जो है चली कितने किलोमीटर है. मैंने कहा भैया अभी मेरी गाड़ी आए हुए मुश्किल से 28-30 दिन हुए हैं और गाड़ी अपनी 4000 किलोमीटर चल चुकी है. भैया कह रहे गाड़ी बहुत चला दी आपने. सो यहाँ पे कर रहा हूँ मैं अपनी वीडियो अपलोड, और यहाँ पे देख रहे मूवी सर्विस सेंटर में बैठ के. थोड़ा अपने राई वाले चैनल पे स्विफ्ट की एक वीडियो जानी है, उसको अपने करना है काम, और साथ में आपको जो है डेडिकेटेड वीडियो देखने के लिए मिलेगी राही पे सर्विसिंग की. उस टाइम पे गाड़ी हद गंदी हो रखी थी, गाड़ी के अंदर पता नहीं देख रहे हो डस्ट कितनी सारी पड़ी नीचे, गाड़ी के अंदर से बहुत सारी डस्ट जिसे कहते हैं वो निकली है, देख रहे हो गाड़ी हो गई है इस टाइम पे पूरी क्लीन. टाइमिंग इशूज़ हमेशा से रहते हैं यार, तभी मैं बाहर से करवाने की सोचता हूँ, करवाता था मारुति की भी, क्योंकि टाइमिंग ज़्यादा लगती है. अब देखो किन देर लौट लगती है, 10:30 आ गया था, एक बज चुका है और 2 बजे के लिए वीडियो डाल रहा हूँ. लेट्स सी, मॉर्निंग में मैं 10:15 पे यहाँ पे आ चुका था और इस टाइम पे 2 से 2:30 बज चुके हैं, लगा लो 10:15 पे मैं आ चुका था, 2:30 बज चुके हैं, फर्स्ट सर्विस है और टाइम देख लो कितना लग रहा था. इसी वजह से मुझे चीज़ पसंद नहीं है, आफ्टर सेल सर्विस में मज़ा नहीं आता. अगर मैं ये सोच रहा हूँ अगर 5 घंटे अगर पहले सर्विस में लग गए तो दूसरी तीसरी में तो गाड़ी रख लेंगे यार ये. और टायर में हवा नहीं तो हवा भी डालने के लिए खुद ही अरेंजमेंट करना पड़ा, वहाँ पे हवा का भी कुछ नहीं था. सो यहाँ पे गाड़ी की सर्विस पूरी तरह हुई कंप्लीट. सर्विसिंग क्या थी, मतलब यार सही बताऊँ तो सीरियसली आफ्टर सेल सर्विस कुछ भी नहीं है. क्योंकि यार देखो फ़ोन करके बोलते हैं अपॉइंटमेंट ले लो, अपॉइंटमेंट के अलावा गाड़ी देखेंगे नहीं, पर ऐसा कुछ नहीं, अपॉइंटमेंट के अलावा भी गाड़ी देख रहे हैं. और कोविड के लिए सोचते हैं कि हम कि चल कोविड में इनका रूल था ये कि मतलब हम जो है लिमिटेड गाड़ियाँ देखते हैं, और लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा मुझे लिमिटेड. ऐसा अपॉइंटमेंट लेने के बाद भी अगर आपको अपनी फर्स्ट सर्विस के लिए 5-5.5 घंटे अगर आपको वेट करना पड़े तो मुझे नहीं लगता कि वर्थ है. आफ्टर सेल सर्विस में मज़ा नहीं है, ये तो सिर्फ एक नॉर्मल सर्विस थी यार मेरी. सोचो अगर मुझे अगर मेन सर्विस करवानी थी तो क्या होता है.
मतलब चीव टाटा बाय बाय खत्म गया। चलो शुक्र है 327 पे ही सही अपनी गाड़ी बाहर तो निकली। मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि आज गाड़ी बाहर निकलने भी वाली है। चलो गाड़ी अपनी निकल रही है बाहर। चलो अब मेरे को जाना है करोलबाग, हर्ष भाई वहाँ काम करवा रहे हैं और देखते हैं क्या काम करवा रहे हैं क्या काम करवा रहे हैं। लीक कर दूँ ना कंटेंट? बताओ एक बार बोल दो कंटेंट लीक कर दो, आई बता दूँगा क्या कर रहे हैं क्या। और इस टाइम पहुँच गया हूँ मैं करोलबाग, जहाँ पे कि अपनी गाड़ी आज हमको पार्किंग पे नहीं लगानी है यहाँ पे, क्योंकि हम शूट के लिए नहीं आए हैं, हम आए हैं हर्ष भाई से मिलने। उनकी गाड़ी में कुछ भयंकर काम चल रहा है इस टाइम पे, जो कि हम आपसे शेयर नहीं कर सकते क्योंकि आप लोग हम पे भरोसा नहीं करते हैं कि हम उनका कंटेंट लीक कर सकते हैं। चलो यहाँ से अब लेंगे राइट। तो ये यहाँ पे वो शॉप है जहाँ से कि मैंने अपनी गाड़ी में अलॉय व्हील्स लगवाए थे। मैं आपको वो भी शॉप जो है दिखा देता हूँ। यहाँ पे ट्रैफिक तो हमेशा ही रहता है यार, देख रहे हो पूरा ट्रैफिक है उधर की तरफ। अब लोग गाड़ी चलाने आती है लेकिन देख रहे हो उसने ये बलिनो वाले भैया सामने से आने वाले ट्रैफिक के लिए जगह ही नहीं छोड़ रहे। अब इनको बोला तब जाके उन्होंने ब्रेक लिया। अच्छा गाड़ियों के लिए आने के लिए जगह नहीं निकलेगी कहाँ से, हमेशा ये चीज़ बोलनी पड़ती है यार। तो ये अपनी सेम शॉप है जहाँ से कि मैंने अलॉय व्हील्स अपनी गाड़ी में जो है डलवाए थे। बेसिकली ये रही वो शॉप जहाँ से अलॉय व्हील्स लेते हैं। अभी भी इस टाइम पे वहाँ जा रहे हैं अलॉय व्हील्स यहाँ पे जो है डाले जा रहे हैं। आज का दिन ही ख़राब है मुझे लग रहा है, जहाँ भी जा रहा हूँ टाइम ख़राब हो। देखो फिर से भैया वो लोग बांध रहे हैं उसको और वहाँ पे गाड़ी खड़ी है भाई की जहाँ पे काम चल रहा है। अभी कभी कंटेंट लीक करता हूँ उनके क्या काम करा रहे हैं। सो यहाँ पे दुश्मन के पास आ गया हूँ मैं हेल्प करने के लिए। और देखो हमारी इतनी मस्त कार खड़ी है, मैंने इनको बोला अच्छी गाड़ी है ना, ये कह रहे गंदी गाड़ी है। टाटा वाली गाड़ी की बेइज्जती करते हैं। ये देख लो स्पोर्ट्स कार। ओ नो 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 नो, दिखा दूँ? कुछ भयंकर काम चल रहा है देख रहे हो अंदर। ये हिंट है खाली आप लोगों के लिए, बाकी लेट्स सी जो भी होगा आपको हर्ष भाई के चैनल में मिल जाएगा देखने के लिए। पार्किंग की हालत दिखाऊँ? देखो पार्किंग की हालत बहुत बुरी हो रखी है, गाड़ियाँ फंसने में लग रही है देख रहे हो। भैया कोशिश कर रहे हैं गाड़ी निकालने की लेकिन गाड़ी फंस रही है। और इस टाइम पे हम ड्राइव कर रहे हैं इंडिया गेट के आसपास में, देख रहे हो इंडिया गेट अच्छा लगता है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन इस टाइम पे पूरा इंडिया गेट जो है खोदा हुआ है, पूरा कंस्ट्रक्शन चल रही है इस पर विस्ता एवेन्यू पे, पूरा की पूरी खुदाई चल रही है। कुछ काम चल रहा है भाई, पता नहीं भगवान जाने, कुछ हैवी हैवी काम चल रहा है, हैवी खुदाई, लेट्स सी। और ट्रैफिक इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हो रहा है। और अभी आप मैं एक चीज़ रात को डिसाइड करने वाला हूँ अपनी गाड़ी के लिए, वो आपको बहुत जल्दी पता लग जाएगी, क्योंकि जो अब मैं गाड़ी में इंस्टॉलेशन करवा रहा हूँ वो बहुत बढ़िया चीज़ है और बहुत एक ही चीज़ रहने वाली है। अभी यहाँ पे लॉन्च हुई नहीं है तो कुछ ऐसे इस टाइप की चीज़ जो है अपनी गाड़ी में जो है मैं इंस्टॉल करवाने वाला हूँ। तो एक्साइटेड हो आप लोग जितना मैं हो रहा हूँ? अभी VIP वाला ट्रीटमेंट पता नहीं कब ख़त्म होगा इंडिया में, देख रहे हो पूरी रोड घेर रहे हैं, खाली करा रहे हैं कि बंदे को निकलना है। मतलब एम्बुलेंस के लिए साइड देना इस जोके, बट VIP कल्चर के लिए समझ से बाहर है। और ये लोग अपने आपको पता नहीं क्या समझ रहे हैं भाई, दे पूरी रोड ही घेर मारी आगे तक कि इन्होंने आने के लिए जगह बिल्कुल नहीं छोड़ी है। और होने के लिए पुलिस वाले हैं, मतलब कैसे रूल ये फॉलो कर रहे हैं कि इन्होंने ये नीचे की रोड की राल पट्टी देख रहे हो वाइट वाली, इसके ऊपर इनको इधर रहना चाहिए, हमको इधर रहना चाहिए, लेकिन स्टिल ये लोग तो बाजी नहीं आने से रहे। सो यहाँ पे अपनी गाड़ी में हो रही है फ्यूलिंग, पेट्रोल के प्राइस हमारे हैं 101.88 और अपनी टंकी हो रही है फुल, क्योंकि मैंने जो था जिस दिन सर्विस आएगी उस दिन जो है पूरा पेट्रोल जो भरवा लेंगे दोबारा से। अभी मैं थोड़ा थोड़ा भरवा रहा था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि सर्विसिंग के लिए मैं गाड़ी कितनी छोड़ने वाला हूँ। चलो तो भाई यहाँ पे हर्ष भाई चले गए अपने गुड़गांव और अब मैं जा रहा हूँ अपने घर की। और हर्ष भाई की गाड़ी में काम उनका ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है जितना हो सकता था। अब लेट्स सी, मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना जरूर पसंद करूँगा, बाकी मेन वीडियो आपको ग्राही पे देखने के लिए मिलेगी। सो मैं आपको सिर्फ इतनी सी चीज़ बोलना चाहूँगा अभी के लिए फ़िलहाल, क्योंकि मूड बहुत ख़राब हुआ है आज, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ मुझे नहीं लगता कि हमको एक सर्विस जो फर्स्ट सर्विस है उसके लिए जो है मेरे को इतनी देर वेट करना पड़ता। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने टाइम ख़राब किया, चीज़ें ख़राब करी, बट कमिटमेंट टाइम से ही बहुत ज़्यादा लेट थे भाई, साफ सीधी बात जो है सो है। देखो टाटा की गाड़ी अच्छी है नो डाउट, ठीक है, कहीं कहीं पे कमियां भी होती है, कहीं कहीं पे अच्छाई भी होती है, तो अच्छा ही ज़्यादा है जो मुझे पर्सनल लगता है, तभी मैंने गाड़ी परचेज भी की है। बट टाटा गाड़ी अच्छी बना रहा है नो डाउट, पर आफ्टर सेल सर्विस बहुत ही बेकार है। मतलब ये लगा लो कि अगर आप बोलते हैं कि आपकी गाड़ी की बुकिंग है हमारे पास, मतलब अपॉइंटमेंट है, अगर अपॉइंटमेंट के हिसाब से अगर गाड़ी लोगे तो गाड़ी कम होती है, लेकिन वहाँ भरा हुआ था पूरा, उसके बाद जो है ढंग से कुछ हो नहीं पाया यार, सही बताऊँ तो मज़ा नहीं आया। इवन मेरी गाड़ी उन्होंने वॉश करी उसके बाद भी गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी है स्टिल। मेन वीडियो आपको देने के लिए मिलेगा राही वाले चैनल में भाई, यही था आज का वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और आपको हम बहुत जल्दी अपने साथ कहीं लेके चलने वाले हैं। तो लेट्स सी, काफ़ी कुछ जो है प्लान कर रहा हूँ और गाड़ी में एक नया काम जो है आपको एक दो दिन में देखने के लिए मिल जाएगा। चलो टिल देन ध्यान रखो, मौज करो, और मेन वीडियो राही वाले चैनल पे।
ठीक है, इसकी आज की अपनी गाड़ी की सब वो सर्विसिंग की। चलो।